हाय एवरीवन, मैं हूं नंदिता और आप सबका स्वागत है नंदिताज किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टमाटर की सूप की रेसिपी। सर्दी आ गई है, सर्दियों के सीजन में लोगों को सूप पीना बहुत ही पसंद होता है और अगर रेस्टोरेंट वाले टेस्ट के साथ घर पे मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। टमाटर की सूप बनाने के लिए सबसे पहले इंडक्शन में एक कढ़ाई गरम कर ले। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगा हम उसमें एक टेबल चम्मच बटर डाल देंगे। लो फ्लेम में यहाँ पे बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दे। बटर को मेल्ट होते ही यहाँ पे एक इंच अदरक को बारीकी से काट के डाल दे। साथ ही में 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीकी से काट के डाल दे। दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। यहाँ पे हमारा अदरक और लहसुन 1 मिनट के लिए पक चुका है। अब हम उसमें टमाटर डाल देंगे। मैं यहाँ पे टोटल 3 बड़ा टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर को बारीकी से यहाँ पे काट लिया हो। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर दे। नमक हम इसीलिए भी ऐड कर रहे ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। अब हम टमाटर को मिला देंगे और टमाटर को 5 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। बीच बीच में आप यहाँ पे टमाटर को चलाते रहिए, नहीं तो टमाटर जो है वो नीचे से जल जाएगी। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगी हम उसमें 1 टेबल चम्मच चीनी डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पे 1 टेबल चम्मच टमाटो केचप डाल दे। टमाटो केचप इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसमें रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आए। चीनी और केचप को यहाँ पे टमाटर के साथ अच्छे से मिला दे। अब हम उसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। सूप में ब्लैक पेपर पाउडर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ब्लैक पेपर पाउडर को भी यहाँ पे टमाटर में अच्छी तरीके से मिला दे। अब हम उसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बोल सूप बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला दे। अब हम यहाँ पर पानी को उबालने के लिए छोड़ देंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का एक बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए 1 कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दे। साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दे। पानी डाल के हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का एक बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। बैटर को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी इसको साइड पर रख देंगे। सूप में भी यहाँ पर उबाल आ गई है। अब हम यहाँ पर सूप को 5 मिनट के लिए पकाएंगे। सूप हमारा यहाँ पर अच्छे से पक गई है। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। अब हम एक सॉस पैन के ऊपर एक छन्नी को रख देंगे और हम यहाँ पे सूप को स्टेन कर लेंगे। सारे सूप को यहाँ पे स्टेनर पे डाल दे। बचे हुए यहाँ पे जो टमाटर के छिलके हैं यहाँ से हम लोग उसका पल्प निकाल देंगे। आप यहाँ पे 1 चम्मच की मदद से इसी तरह से सारे एक्स्ट्रा जूसेस को निकाल दे। अब हम इंडक्शन को ऑन कर देंगे और सूप को 1 उबाल आने तक पकाएंगे। जब सूप में 1 उबाल आ जाएगा हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का बैटर डाल देंगे। सूप को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर बैटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर बैटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर बैटर डालने के बाद हम यहाँ पे सूप को 1 मिनट तक ही पकाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सूप जो है ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और ले चलते हैं सूप को सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हम यहाँ पे सूप को सूप बोल्स में निकाल देंगे। टमाटर सूप के साथ टोस्ट किया हुआ ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छा लगता है, तो ब्रेड को थोड़ा सा तवे पे टोस्ट करके इसके साथ सर्व करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। टमाटर की सूप यहाँ पे बिल्कुल बनके तैयार है। अब आप इसी सूप को गर्मा गर्म सर्व करें। सर्दियों के सीज़न में अगर आपको इसी तरह के सूप घर पर मिल जाता है और वो भी रेस्टोरेंट वाले टेस्ट के साथ, तो बात ही कुछ अलग होता है। तो आप इस सूप की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।